अब इंसान के दिमाग में लगेगी चिप, पुरानी यादों को नए शरीर में किया जा सकेगा ट्रांसफर। फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अब इंसानों के दिमाग में चिप लगाने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ इंसान चिप के माध्यम से चीजों को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि इंसानों की यादें भी एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर की जा सकती हैं। वैसे तो ये पहली बार सुनकर ही असंभव सा लगता है, लेकिन पिछले कई सालों में असंभव से दिखने वाली कई चीजों को संभव करने वाले एलोन मस्क इसे भी संभव कर दिखाएं, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर ये सब चीजें एलोन मस्क कैसे करेंगे और किस प्रोजेक्ट के तहत एलोन मस्क इंसानी दिमाग में चिप फिट करने का काम कर रहे हैं, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनी चलाने वाले एलोन मस्क का एक न्यूरोटेक आधारित स्टार्टअप है, जिसका नाम न्यूरोलिंक है। इस स्टार्टअप के तहत एलोन मस्क एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे हैं, जिससे इंसानों के ब्रेन में एक मानव निर्मित चिप लगाई जा सके। ये पूरा प्रोजेक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एलोन मस्क की कंपनी पिछले काफी समय से इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इस टेक्नोलॉजी के तहत एक छोटे से सिक्के के आकार का चिप बनाया गया है। इस चिप को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसे इंसान के दिमाग में फिट किया जा सकता है, तथा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ कई हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ब्रेन के कई काम को रिप्लेस कर सकता है। खासकर किसी बीमारी के कारण जब ब्रेन ठीक ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, तो वैसी स्थिति में ये चिप काफी काम कर सकता है। इस प्रोजेक्ट का पहला उद्देश्य पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्लाइंडनेस जैसे लाइलाज पाने जाने वाली बीमारियों को ठीक करना है। दरअसल इन बीमारियों में अक्सर मनुष्यों का सीधे ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है, इस कारण इनमें से ज्यादातर बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। एलोन मस्क का लक्ष्य है कि इस चिप के सहारे इन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इलाज किया जा सके। एलोन मस्क का मानना है कि अगर सभी चीजें सही ढंग से चलती रहीं, तो बहुत जल्द एक चिप के सहारे बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। न्यूरोलिंक कंपनी ने अपना चिप भी डिजाइन कर लिया है, साथ ही इस चिप का प्रयोग सुअर तथा बंदरों पर भी किया गया है। शुरुआती चरण में कंपनी को काफी कामयाबी भी मिली है। जब इस चिप को एक बंदर के ब्रेन में लगाया गया था, तो चिप के प्रोग्राम के तहत बंदर बड़े आराम से वीडियो गेम खेल पा रहा था। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब एलोन मस्क की कंपनी इस चिप का इस्तेमाल इंसानों पर भी करने जा रही है। इसी क्रम में कंपनी की ओर से ह्यूमन ट्रायल के लिए क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्टर के पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एलोन मस्क का ये भी दावा है कि आने वाले वर्षों में ये चिप इतनी एडवांस हो जाएगी कि एक इंसान के ब्रेन में मौजूद याददाश्त को भी स्टोर कर सकती है, तथा इसे एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इंसानी दिमाग में चल रही यादों को स्टोर करके एक रोबोट में भी डाला जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलोन मस्क अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। लेकर आएंगे एक बार फिर आपके लिए नई धमाकेदार वीडियो, तब तक देखते रहिए यू थिंक हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।